डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एट, यू आर वेलकम एट ऑल पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज सिमरी सुल्तानपुर। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इट इज द फर्स्ट डे ऑफ माय टीचिंग फॉर यू ऑल। टुडे आई विल टीच यू द पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड टू स्पेशली ग्रामर। प्रिय बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में वाक्य के अंग, शब्द के वाक्य के अंग या बात के अंग या वर्ग हिंदी में कहा जाता है। अंग्रेजी में इसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच विल बी द फर्स्ट पोर्शन ऑफ योर ग्रामर। इट इज द फंडामेंटल पोर्शन ऑफ योर लैंग्वेज। इट मस्ट बी followed by you all, one by one. Words are divided into various parts or classes. किसी भी बात में या वाक्य में शब्दों को भिन्न भिन्न वर्गों में या अंगों में बांटा जाता है। According to the function, वाक्यों में कार्य के अनुसार शब्द they do in a sentence, वे वाक्य में अपना कार्य करते हैं, वे अपने अलग अलग स्थान ग्रहण करते हैं। ईच एमंग देम इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वाक्य में जो शब्दों का अलग अलग कार्य होता है, वो अलग अलग उनका रोल, उनका कार्य अलग अलग शब्दों के रूप में, उन्हीं को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अब आपको यह जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं अंग्रेजी में। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 नंबर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए जाते हैं। कुल मिलाकर के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में होते हैं। आइए उनको हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट नाउन इन हिंदी संज्ञा, सेकंड प्रोनाउन इन हिंदी सर्वनाम, थर्ड एडजेक्टिव इन हिंदी विशेषण, फोर्थ वर्ब इन हिंदी क्रिया, फिफ्थ एडवर्ब इन हिंदी क्रिया विशेषण, सिक्स्थ प्रीपोजिशन इन हिंदी संबंध बोधक अव्यय, सेवंथ कंजंक्शन इन हिंदी समुच्चय बोधक अव्यय, एंड द लास्ट एट्थ इंटरजेक्शन इन हिंदी विस्मयादि बोधक अव्यय। माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सजेस्ट यू, आई वांट टू टीच यू ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन इन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा को आप हिंदी में तो परिभाषित करते हैं कि संज्ञा को हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, भाव, गुण आदि के बोध को हम संज्ञा कहते हैं। In English, the same definition is given as a noun is the name of a person, place, animal, thing, human quality, idea, experience, feeling, etc. कि हिंदी में इसी कहा गया किसी व्यक्ति, स्थान, पशु या जंतु, वस्तु, मानव गुण, भाव, अनुभवों और भावों को ही हम संज्ञा का रूप देते हैं। इसी को हम हिंदी में कह लेते हैं, उसी बात को हम अंग्रेजी में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमन, रमन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, रमन एक व्यक्ति का नाम है। डॉक्टर, डॉक्टर इज कंबाइंड इन बोथ मेल एंड फीमेल। काउ क्लास नाउन है, ये भी एक पशु का वर्ग है। डॉक्टर ये भी एक जो है व्यवसायी का वर्ग है। वाटर पानी, ये भी नाउन है। इसको हम आप लोगों को अलग अलग इस नाउन को बांट कर बताएंगे, पहले सबको जान लें एक बार। पेन कलम, टेबल मेज, इंडिया भारत एक देश का नाम है। कंट्री, कंट्री में सारे देश आते हैं, ये नाउन का अलग प्रकार हो जाएगा। तो कंट्री देश, काइंडनेस दयालुता, चाइल्डहुड
बचपन, ऑनेस्टी, ईमानदारी। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउन को कोई भी ला करके हम शॉर्ट में ये कह सकते हैं कि नाउन की नेमिंग वर्ड, नाम करण करने वाला, नाम बताने वाले जो भी शब्द होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। दुनिया में जो भी चीज़ें हम आप ऑन अर्थ देखते हैं, धरती पर जो भी हम आप देखते हैं, वो सभी नाउन कहलाते हैं। तो इसके बाद हम आगे इसी के प्रकार को बताएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। थैंक्स अ लॉट।